हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं बनाने वाली हूँ दूध की परी, जो बहुत ही डिलीशियस डिश है। ये बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो होली आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्वीट डिश बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चीनी, गरी का बुरादा है जिसे खोपरे का पाउडर भी कहते हैं, ये मलाई, सूजी, थोड़े से बादाम लिए हैं, इलायची, दूध का पाउडर, आधा लीटर दूध है और थोड़े से मिल्क मैंने अलग लिए हैं सूजी को गूंथने के लिए। दूध की परी बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो हम सूजी को एक बड़े बॉल में डालेंगे। और इसमें ये गुनगुना दूध है, इसकी हेल्प से इसे गूंथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करना है। दूध को इसमें मिला दिया और 10-15 मिनट के लिए मैं इसे फूलने के लिए छोड़ूंगी। अब दूध की परी के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं गरी का जो बुरादा है, नारियल पाउडर, इसको एक बॉल में डालूंगी। ये बहुत ही आसानी से ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम एक चम्मच ही डालेंगे क्योंकि हम दूध में भी डालने वाले हैं। और इसमें डालेंगे दूध का पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा पैकेट का दूध यूज किया है। ये 20 ग्राम का है, 10 रुपए का मिल जाता है ये। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया। अब इसमें ऐड करूंगी मलाई। इसमें मैंने फ्रेश मलाई ली हुई है, 2 चम्मच के करीब इसमें मलाई डालना है। अगर ये सूखा लगे तो और ऐड मलाई कर सकते हैं। मलाई को भी इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। लगभग 2 चम्मच मलाई में ये अच्छी सी फिलिंग तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग भी हो गई रेडी। इसको मैं रख देती हूँ और मैं सूजी को देख लेती हूँ वो फूला कि नहीं। ये देखिए बहुत सख्त हो चुका है, इसमें और दूध डालने की ज़रूरत है। अब इसको हैंड से अच्छे से मैं गूंथ लेती हूँ ताकि इसका सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने सूजी का सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी सी लोई बनाऊंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी बनानी है। और सूखे मैदे की हेल्प से इसको बेल लेना है। इतनी बड़ी बड़ी ही पूड़ियाँ बेल लेनी है। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लूंगी। देखिए फ्रेंड, सारी पूड़ियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं इसमें फिलिंग डालूंगी। तो एक पूड़ी कैसे लेना है और इसमें मैंने पूड़ी को ऐसे रखा और इसमें मैं डालूंगी फिलिंग। थोड़ी सी फिलिंग रखनी है बिल्कुल सेंटर में और किनारों पे लगाना है थोड़ा सा दूध ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। और इसको ऐसे बिल्कुल गुजिया शेप दे देनी है।
इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे प्रेस कर दीजिए ताकि ये खुले नहीं। इसी तरीके से सारी दूध की परी मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरी दूध की परी तैयार हो गई। इसी तरीके से मैं सारी परी को तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से दूसरा भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इसको ऐसे फिल कर दीजिए। है ना ये आसान और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ये मेरी दो परी तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स सारे दूध की परी मैंने तैयार कर ली है। अब गैस पे मैंने चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए। दूध को एक बॉयल होने तक गर्म करना है। दूध गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर। जो मैंने 3 इलायची ली थी उसको मैंने कूट लिया है। अब इसको डालेंगे दूध के अंदर। अब इसको मिला लेंगे। इलायची डालने से दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास केसर हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जो बादाम लिया था मैंने उसको भी कूट लिया है, इसको भी डालूंगी दूध के अंदर। इसको भी दूध में अच्छे से मिला देना है। दूध में एक उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी। 2 चम्मच चीनी डालना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। दो मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने के लिए पकाइए। दूध में सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी इन परियों को, तो आप एक एक करके इसको इसमें डालिएगा। दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आराम आराम से एक एक करके डालिएगा। अब चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा इसको हिला देना है और लगभग 10 मिनट तक इसको दूध में पकाना है। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुका है। दूध की परी बिल्कुल बन के हो गई है रेडी। जब ये पक जाता है तो ये परियां ऊपर लगती हैं तैरने। तो ये कुक हो चुका है। मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे मैं निकालूंगी एक बॉल में। ये देखिए परियां बढ़ के दोगुनी हो चुकी हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसमें डालेंगे थोड़ा दूध। दूध भी गाढ़ा हो चुका है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं करूँगी थोड़ी सी गार्निशिंग। ड्राई फ्रूट से मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। गर्मा गर्म दूध की परी बनके बिल्कुल है रेडी। आप भी इसे ट्राई करें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।